हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय उदासी। आज गणेश चतुर्थी है और आज के दिन बहुत सारे लोग, मतलब मैंने बीच में चालू किया था ये क्या बोलते हैं रक्षाबंधन के बाद पूर्णिमा तक कुछ तो कि जिसको भी चाहिए, हाँ जन्माष्टमी तक जिसको भी चाहिए अपना पूजा करा सकते हैं, लॉटरी में नाम डाल सकते हैं। तो मैं आज सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ये बोलूँगी कि सबके पास तो नहीं होता 2 लाख 5 लाख, बोलेंगे माँ उतना रहेगा तो हम आपसे क्यों करेंगे। लेकिन इतना है जरूर कि बहुत सारे लोग कर्जे में हैं, परेशानी में हैं, कोई लोग अपने दुश्मनों को पलंग पे सुलाना चाहते हैं, उसको इतना पैसा नहीं है। तो मैं इसी बात गणेश चतुर्थी के आज के दिन के लिए एक चाहती हूँ कि अगर आज करना है तो आज के दिन के लिए यही ऑफर है कि आपको अगर सही में बहुत सारी दिक्कतें हैं तो मात ज़्यादा नहीं, मात्र 11,000। आप 11,000 का भी नाम डालते हैं ना लॉटरी में तो भी आपको एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। 11,000 में 2 लाख बहुत बड़ी बात होती है। 11,000 में 2 लाख मिलेगा और उसके बाद का जो भी है, जितना भी जो डाल सकता है वो आप मुझे व्हाट्सअप पे 9004419917 पे पूछ सकते हो। उसके बाद अपने दुश्मनों को पलंग पे सुना लें, क्योंकि आज बोलते हैं माँ हमारे पास तो नहीं है ना 1.5-2 लाख के हम सुल्तान जिन ले सके, लेकिन सुल्तान जिन का पावर कैसा होता है? सुल्तान जिन लेने से पैसों का फायदा तो होता आदमी की मति भ्रष्ट कर सकता है वो। अब जैसे कोई लोग मुझे उल्टा बोलते हैं ना, तो मैंने कसम खाई है इस बार कि जितने लोगों ने मुझे उल्टे को, मेरे परिवार तो कोई ध्यान देता है, मेरे बच्चों तो कोई ध्यान देता है, मेरे प्रभु तो कोई ध्यान देता है, तो मैं उन लोगों का मारण क्रिया कर देती, कितने लोगों को ऊपर पहुंचा दे। और अगर कोई मेरी इमेज तक आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगी? मुझे ना, मैं पहली बात कभी किसी को उल्टा बोलती नहीं और मुझे दो बात उल्टी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे जो उल्टा बोलेगा ना फिर मैं उसको ऊपर तक पहुंचाऊंगी। अभी कुछ लोगों का एटीट्यूड है ना पैसा पैसा पैसा, ये बात है। आज से मैंने 7 दिन का ताला कर रही हूँ 4-5 लोगों के नाम पे। 7 दिन के बाद देखती हूँ उनके पास पैसा बचता है क्या, उनके पास नौकरी बचती है क्या, ऐसी बात है। दूसरों के परिवार में भड़काना बहुत बड़ी बात है क्या, अरे क्यों किसी की बात सुन के लेने का, खुद कमाने का खुद खाने का क्या जरूरत है? तुम लोग को समझ में आता है किसी को भी कुछ बात बोलने का क्या मतलब होता है? हाँ, नौकरी धंधा हमारे पास करने का, बाहर जाके वो सामने वाले को दिमाग में डालने का, किसी की भी बात कर रही हूँ मैं, ऐसे करने से कुछ फर्क पड़ता है? कभी ये सोचा है कि अगर विद्या देवी के दिमाग में हम लोग लग गए तो विद्या देवी हमारा क्या हाल करेगी? मैंने बचपन से घर में काम काम कर करके बड़ी हुई, इसलिए मेरे बच्चे कहीं भी काम नहीं करे, उन पर एक मुसीबत नहीं आए तो मैं अपने बच्चों के लिए 2-2, 3-3 काम वाली रखती हूँ घर में। उन लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं हो तो दिन रात कुत्ते के जैसा दौड़ती रहती हूँ, अपने बच्चों से हर बात शेयर करती हूँ। फिर भी लोग अगर मेरे घर में मेरे पति को मेरे बच्चों को दिमाग में ये डाले कि अपना करने का खुद करने का, अरे जिन लोगों को मैं ऐसे हाथ पे रखती हूँ, अगर उन लोगों से अगर कोई इंसान दिमाग में डाल के गधा मजूरी करवाए तो आपको लगता है मैं किसी को माफ़ करूंगी क्या? ये बताओ। मुझे पता है किसी से कोई सुख देखा नहीं जाता किसी का, सब सिर्फ बोलते हैं ना, सब सिर्फ सुख के साथ ही, पैसे के साथ ही, लेकिन जरा सा पता चलता है ना चलो इसको गधा मजूरी करो, ये करो करो, आपको लगता है क्या? मैं एक बात बताऊँ, जितना मेरा परिवार तकलीफ में आएगा ना, जितने मेरे परिवार को आप बोलेंगे कि चलो ऐसा करें वैसा करें मजा लेंगे ना, ये बात लेना, जितना जितना आप उसके तकलीफ में मजा लेंगे ना उतना आपके लिए सजा मिलेगी। मेरा आपको याद है ना मैं कैसी हूँ, मेरा अगर कोई 1 रुपये का भी नुकसान कराता तो मैं उसका कम से कम 1 लाख रुपये का नुकसान कराती हूँ। तो अगर कोई मेरे परिवार तक, मेरे बच्चों तक, मेरे लोगों तक अगर ये आके दिमाग में डालेगा खुद का काम खुद से करने का करने का, ठीक है करेंगे खुद से, क्या करेंगे? राजा और कहते ना विद्या देवी, कहते ना राजा रानी राजकुमारी के जैसे सबको रखती है। अगर उनको कोई दूसरी जिंदगी जीने पे मजबूर करेगा तो उसका मैं क्या हाल करूंगी पता है आपको? उसका फिर वो हाल करूंगी, ना पैसों से बचेंगे ना किसी से बचेंगे, ऐसी बात। कोई बात नहीं, जाने दो, मेरे को उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि जो हम दुश्मनों को सबक सिखाते हैं, बहुत सारे लोगों को उंगली करने की आदत है, आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को तकलीफ आती है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग दूसरों के परिवार में ध्यान देते हो, शायद किसी की शादी हो चुकी रहेगी, किसी की नहीं हुई रहेगी, है ना? अगर तुम लोगों को लगता है तो, अगर तुम समझो ना, तुम्हारे लोग अगर तुमको छोड़ के चले गए, तुम्हारी समझो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, और अगर कभी शादी ना हो तो शरीर को अंदर से बाहर तक मैं खोखला कर दूँ, तो जिंदगी भर चाह के भी कमा ना पाए, तो जब मेरे परिवार तक लोग आते तो मैं इतना सब कुछ कर सकते हो, और कोई अगर मेरी इमेज तक आए और मुझे उल्टा बोले तो आपको लगता है मैं छोड़ूंगी? मैं 7 दिन में बताऊंगी, आज कितना तारीख है, 19 तारीख है गणेश चतुर्थी का, मेरी माँ मंगल माँ का, मेरी मेलडी माँ का उपास है, इसलिए मैंने आज काला कलर पहना है। और काला कलर माँ कहते हैं नागिन का रूप होता है, मेरी नाग देवी के नाम पे बोलती हूँ, मेरी नाग माता, नाग लक्ष्मी की पूजा होती घर में। ये नाग लक्ष्मी की बात कह रही हूँ कि महीना भर तो चलो माता रानी ने कहा है कि अगले अमावस्या तक सामने वाले की मौत हुई, लेकिन 7 दिन में मैंने थूक नहीं चटवाया, हॉस्पिटल पहुंचा के कहते ना 1 लाख रुपए नहीं खर्च करवाए ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं, मैं ये लिख के लेना मेरी बात को आज की तारीख में, ऐसी बात है।
तो चलो मैंने वीडियो जिस काम से बनाया बता रही हूँ कि जो लोग भी चाहते हैं अपने दुश्मनों को इस तरह से ताले का काम करवाना, तालों का काम कम से कम एक एक ताले का काम, उस ताले के काम से आप किसी को पागल कर सकते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, ऊपर पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो ताले का ऊपर पहुंचाने का काम तो मैं लूंगी नहीं, इस ताले के काम में वो मारण क्रिया अलग ही होती है, लेकिन तालों के काम से भी इतना तो जरूर कर सकती हूँ कि सामने वाला पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपके सामने घुटने टेकेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन माफ़ी नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा, मतलब जैसा चाहोगे वैसे पागल, पैसों पैसों से मोहताज रहेगा, हर जगह पे परेशान हो जाएगा, कहाँ से आए कहाँ से आए कहाँ से आए। ऐसा वैसा करना चाहते हैं ना तो जो ताले के काम का मैं 60-70-80 हज़ार रुपये लेती हूँ ना, वो मात्र 21 हज़ार में बस आज के दिन करके मिलेगा, और मजाक नहीं 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलेगा। और तालों का काम है 7 दिन का ताला पूरा होते होते आपका प्यार, कल मेरे को किसी का मैसेज आया था, आपका प्यार किसी के पास चला गया है, रूठ के चला गया है, कल मुझे कहीं से दूसरी जगह से फ़ोन आया था, आपका प्यार चला गया, आपका प्यार आपको धोखा दे रहा है, आपको लग रहा है आपके कदमों के आके गिरेगा, ताले का काम ऐसा करेगा ना कि पूरी दुनिया उसको नहीं पूछेगी, शक्ल सूरत रंग रूप से सबसे हम बेकार कर देंगे। मैं ताले का, तालों के काम से अच्छा वशीकरण भी कर सकती हूँ, और तालों के काम से मैं अच्छा खचा मूड करने भी कर सकती हूँ। मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज किया कि माँ हमें ताले का काम सिखाओ ना, सॉरी हर चीज़ मैं सिखा दूंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा, ये सारी चीज़ मेरी बनाई हुई है और मैं ही इसको करती हूँ। तो बस जिसको लगे, अगर लगता है कि आज की तारीख में अगर आप दुश्मन से परेशान हैं, या जिस तरह से मुझे कल फ़ोन आया था कि इंसान बहुत सारा प्यार लोगों को करता है लेकिन तो भी इंसान उसकी कदर नहीं करता, प्यार से परेशान है, तो आप मुझे आज ही नाम फोटो एड्रेस दीजिए, मैं काम करके दूँगी। 7 दिन से 8वें दिन में अगर आपको रिजल्ट नहीं आया ना तो आपका जूता मेरा सर। कल किसी ने कहा है, कल किसी ने देखो, एक दो जन जो लॉटरी में नाम डालते हैं ना उनको भरोसा नहीं होता है, पीछे से आएंगे लेकिन आगे का नंबर चाहिए, पागल करना क्या होता है ना विद्या देवी बताइए, सिर्फ 7 दिन दो, 7 दिन के बाद ना तुम्हारे पास बोलने के लिए परिवार रहेगा, ना खाने के लिए पैसे रहेंगे, ना रहने के लिए घर रहेगा, ना जीने के लिए जिंदगी रहेगी, ये वादा है विद्या देवी का। बस आज है 19 तारीख, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मज़ा देखो, जय माता दी।